सो गाइस फाइनली वी रीच्ड मिनी कश्मीर, क्योंकि असली मजा मंजिल का नहीं सफर का है। ओए होए, ये तो बहुत ही लाल रसीले का फल है। ईश्वर की याद दिला दी यार इसने तो। ये देखो, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग। तो हम लोग हो गए एकदम रेडी और आज हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है हम लोगों को। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, 6 बजने वाले हैं। प्रणाम प्रणाम। हाँ हाँ आराम से जाओ। चलो ठीक है फिर। हाँ तो गाइज फाइनली यहाँ से निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए और आपसे बीच बीच में कनेक्ट होते रहेंगे। तो जय इष्ट देव, चलते हैं। सुबह सुबह का एक फ़ायदा तो है, ट्रैफिक का सामना भी नहीं करना पड़ता और मौसम तो आप जानते ही कि कितना बढ़िया रहता है, और मौसम का पूरा फील लेते हुए चलो। तो हल्द्वानी टू पिथौरागढ़ 6 घंटे का रास्ता है, 187 किलोमीटर। देखते हैं हम कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो गाइस आप सनराइज़ देखिए, हमसे रहा नहीं गया, थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए हम लोग। ये देखिए आप, क्या बढ़िया आ रहा है। तो गाइस फाइनली रीच भीमताल, और यहाँ के मौसम का तो आपको पता ही है, एकदम चिल्ड। भैया चाय हो जाएगी? चाय हो जाएगी, चला जा। एक चाय और दो मैगी। तो गाइज अभी हम यहाँ भीमताल में रुके हैं, क्योंकि घर से कुछ खाकर आए नहीं थे हम लोग। तो यहाँ पर हमने मैगी और चाय ऑर्डर कर रखा है, और पीछे आप देखिए पूरा लेक है, और सुबह सुबह पूरे डक, यहाँ पे इतने सारे डक हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। तो यहाँ पे बना रहे हैं अंकल पहाड़ी चाय, गडमट, एकदम गडमट पहाड़ी चाय, वो भी अपने पहाड़ी अंदाज से। तो अपनी तो चाय आ गई है, और ये आ गई अपनी मैगी। तो गाइस चाय नाश्ता भी हो गया, अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। और इसको देखो, हर जगह डाकू बनके क्यों आ जाती है भाई तू? अरे बचना होता है डस्ट से, एलर्जी। तू रेगिस्तान थोड़ा ना जा रही, पहाड़ों में आ रही है, आज तो नहीं पहनती। धूप से हर जगह चीज से बचना होता है। यहाँ की धूप तो मीठी होती है, कुछ भी, सबसे ज्यादा टैनिंग यहीं की धूप करती है। ओए होए, क्या मस्त मौसम हो रहा है यार। मैंने बोला इतनी ठंड हो रही है, तो अब विंड चीटर निकलने लग गया इसका भी। तो देखो स्कूल के बच्चों ने स्वेटर पहन लिए यहाँ पे। तो गाइस हल्द्वानी की गर्मी से तो पूरी तरीके से मिजाज मिल चुकी है, अब दिल खुश कर देने वाला मौसम हो रहा है। तो ये जो पदमपुरी वाला रूट है, तो पूरा चीड़ के पेड़ों से ही भरा पड़ा है। देखिए चारों तरफ चीड़ के पेड़ हैं, बीच में रास्ता। उत्तराखंड के आप किसी भी हिल स्टेशन में चले जाइए, आपको चीड़ के पेड़ तो दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज चीड़ के पेड़ों का ही है यहाँ। और गाइस इस पिरूल को देख के ऐसा लग रहा है कि रोड की दोनों तरफ सिवई बिछी पड़ी है। और आप ठंड का एहसास इस रोड से लगा सकते हैं कि कितना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। देखो अभी भी ओस गिरने में लगी है। तो गाइस वी रीच्ड धारी, तो धारी पहुँच गए हम लोग अभी। तो गाइस हम पहुँच गए धानाचुली, और ये रूट गया मुक्तेश्वर को, और ये गया ओखलकांडा, और ये गया हमारा जहाँ हमको जाना है पिथौरागढ़। चलो गाइस ठंडे से तो मिजाज मिली मिली, लेकिन गड्ढों ने इतना परेशान कर दिया मैं आपको बता नहीं सकता। बीच बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे आ रहे हैं, वो तो अच्छा हो भाई के हिमालयन उठा ली मैंने, लेकिन कोई भी बाइक को भेल दर्द तो हो ही जाती है। बना लो भाई बना लो, अब तो अच्छी रोड बना लो। तो ऐसा नहीं है कि इससे गड्ढे बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन यह है कि थोड़ा कम एहसास हो रहा है गड्ढों का। तो गाइस मुझसे रहा नहीं गया, देखो आप देवदार के पेड़, वन ऑफ माई फेवरेट ट्री, देवदार के पेड़। तो गाइस अभी यहाँ पे फोटोशूट ब्रेक ले रखा है, थोड़ा फोटोशूट चल रहा है यहाँ पे, और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। तो आगे पूरे देवदार के पेड़ हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है, तो सोचा यहाँ पे थोड़ी देर फोटोशूट कर लें। तो अब चलते हैं सीधा, चलें, क्योंकि असली मज़ा मंजिल का नहीं सफ़र का है। तो पूरा फील लेते हुए चल रहे हैं हम लोग यहाँ से, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइज़ अभी हम लोग रुके हैं पहाड़ पानी में, और यहाँ से अभी भैया बोल रहे हैं कि 110 किलोमीटर और है पिथौरागढ़। तो यहाँ से अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं प्रॉपर, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ मैगी चाय खाया था हमने भीमताल में। और ये देखिए बादल भी आना शुरू हो गया है, लगता है आज ही बारिश होती है। तो यहाँ यूज़ करना है वॉशरूम, दो नंबर लग गई है।
गड्ढे इतने हो रहे थे कि लग गई दो नंबर। और ये देखो डॉगी भी यहाँ पे, आ कितना प्यारा लग रहा है देखो, ओहो क्यूटी गुड डॉग। पहाड़ों के तो अलग ही होते हैं यार कुत्ते सच में। और गाइस मेरे फोन की बैटरी भी थोड़ी कम है तो साथ ही साथ फोन भी चार्ज कर लेते हैं तब तक यहीं पर ही। तो भैया ने लगा दिया गर्मा गर्म बन ऑमलेट, मैं खा लेती हूँ उसे। अरे कोई नहीं, तू अपना आएगा तेरा। चलो ठीक है तू ले ले, भूख लग गई है मेरे को। ये लो हाफ ऑफ कर लो मामला, ये लो खाओ भाई एंजॉय। ठीक है भैया थैंक यू, वेलकम। और बीच में रोकना मत, हाँ सीधे सीधे चलना है, अब तो मामला हल्का भी हो गया है। चलिए ठीक है भैया ओके, तो चलते हैं गाइस बिना रुके अब। स्पाइक स्पाइक बाय बाय ब्रूनो। तो ये देखो क्या लेने गई है, हिसालू लेने के लिए गई है, टेस्टी टेस्टी। यहाँ भी ले आना। तो गाइस ये देखो कितने बड़े बड़े हिसालू लगे हैं, येलो बेरीज टाइप के हैं, येलो बेरीज ही हैं वैसे देखा जाए तो। इट इज हिसालू और टेस्ट में बहुत बढ़िया होता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये देखो बीमारियों का भी दूर करता है और बहुत सारी बीमारियां भी दूर करता है, इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं गूगल में। चलें, तू तो पूरा पेड़ ही साफ कर देगी आज ही। अरे तो यार कब से इसका इंतजार कर रही थी, मुझे आज मिला है तो मजा आ गया, क्या फ्रेश टेस्ट आ रहा है यार। तो गाइस जो है पहाड़ पानी जगह है, तो गौला नदी का जो ओरिजिन है वो इसी जगह से ही है, पहाड़ पानी से। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जैकेट लेकर क्यों नहीं आया। तो गाइस इतना ठंडा हो रहा है, पूरा जैकेट पहनने वाला मौसम हो रहा है और हम सिर्फ विंड चीटर में। सफ़र अभी बहुत लंबा है और रुकना भी नहीं चाहिए हमको बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें नज़ारे ही कुछ ऐसे हैं कि रुकना पड़ जा रहा है हम लोगों को। ये देखिए मेरे पीछे आप डोल आश्रम, तो देखिए पूरे जंगल के बीच में बसा हुआ है आश्रम, क्या खूबसूरती है इसकी। तो अभी हम लोग काफल खाने के लिए रुके हुए हैं भैया, यहीं पे यहीं पर ही है ना पेड़ काफल के, तो नीचे आपको जंगल दिख रहा है बस। कौन सा ये देखिए सामने काफल का पेड़ है, और देखिए पूरे जंगल में काफल के पेड़ है यहाँ बीच बीच में, और बस अभी जंगल से लेकर भैया यहाँ फ्रेश फ्रेश निकाल रहे हैं हमारे लिए। ये देखिए आप, ओए होए ये तो बहुत ही लाल रसीले काफल है, ईश्वर की याद दिला दी यार इसने तो। ये देखो आप काफल, ये है असली काफल, मसाला मिला दो। और भैया इसे मसाला वगैरह मिला के बढ़िया करके बना कर दे रहे हैं। क्या क्या रहता है मसाले में? इसमें जीरा धनिया बस ये सही, नमक ही तीन आइटम बस, थोड़ा वो पुदीना। तो मसाले में भी भैया ने भुना हुआ जीरा रखा है, वाह मजा आ जाएगा, चार चांद लग जाएंगे काफिले में। थैंक यू भैया, वेलकम। चला रूट गया अल्मोड़ा को और ये गया पिथौरागढ़ को, तो हमें जाना है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ ना अंकल, थैंक यू, ठीक है अंकल। तो गाइस आप देखो जंगल में कितनी आग लगी हुई है, तो कुछ लोग ये जानबूझ के कर देते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। और कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं और सिगरेट वगैरह अच्छे से बुझाते नहीं अपनी, तो देख लीजिए आप ये नतीजा मिलता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें और ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। ये देखिए जंगल के बीच बीच में काफल वाले कैसे यहाँ पर छाँव में काफल बेच रहे हैं, ये देखिए आप हर जगह काफल वाले हैं। सीज़न ही काफलों का चल रहा है, मई में ही होते हैं काफल, तो मार हो रखी काफल। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो मॉनसून के टाइम पे आया था, और तभी पूरे जो पहाड़ है पूरी ग्रीनरी थी तब यहाँ पे, बरसात के बाद ही पूरे ग्रीन हो जाते हैं जो आपको अभी ड्राई ड्राई से दिख रहे हैं पहाड़, तो हर टाइम का अलग फील है ब्यूटी का। तो गाइस पिथौरागढ़ अब सिर्फ 66 किलोमीटर और है। तो ये देखिए पूरा पहाड़ी टूट रखा है पूरा, कितनी बड़ी लैंडस्लाइड हो रखी है देखिए आप। बैठ, बीच में उठ के जा रही है। अरे यार थक गए हैं इस हिमालय में, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है गाइस इस रूट में, ओहो और रोड भी इतनी ज़्यादा ख़राब। तो यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं फिर कुछ खाते हैं, भूख भी लग गई है बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी ठंड का एहसास किया था अभी हमने सारा निकाल दिया इस रूट में, इतनी
इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे, और रोड भी देखिए आप कितनी ज़्यादा पतली रोड है, और बीच बीच में इतने पत्थर के चूरे चूरे गिरे हैं इसमें, इतने बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे चूरे, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चला सकते आप यहाँ पे बाइक, तो बहुत ही बेकार रूट लगा मुझे ये। देखो रोड ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे। I feel the day that I lose the chance to fight. So guys, अभी हम यहीं पर लंच करने के लिए बैठे हुए थे, और मैंने अभी जस्ट वीडियो भी अपलोड कर दी अपनी, और फ़ोन भी चार्जिंग से, मैंने अपना फ़ोन भी चार्जिंग पे लगा लिया था। तो अब चलते हैं सीधा, और आपको मिलते हैं सीधा पिथौरागढ़ में। बहुत लेट हो गई है, बहुत रेस्ट कर लिया इधर उधर। चलें, रेडी। मौसम देखिए, पूरा मौसम बन गया है, घनघोर बादल छा गए हैं आसमान में। तो जल्दी चलते हैं, बारिश पड़ने से पहले होटल पहुँचते हैं। तो गाइज़, वो सामने देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, जो ये हल्की हल्की लाइन टाइप की दिख रही है। तो देखिए आप पे बादल बरस रहे हैं। तो गाइस, जिस चीज़ का डर था वही हो गया, बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज़। तो बस अब देखो कि टाइम से पहुंच जाए हम। और इतनी मोटी मोटी बूंदें पड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है ओले गिर रहे हैं ओले। सो गाइस, फाइनली वी रीच्ड मिनी कश्मीर। दोस्त भी आ रही है, चंपा जी अपने पापा के साथ आ रही हैं, वो तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं, और बारिश भी हो रही है। ये देखो आप, ये हैं चंपा जी। तो अभी बहन और मैं यहाँ पे TRC में आए हुए हैं, तो यही रूम देख रहे हैं पहले हम। तो चंपा जी अभी नीचे ही हैं, क्योंकि ट्रिपिंग तो कर नहीं सकते थे, तो यहाँ डन करते हैं, फिर उसके बाद मैं चंपा जी को लेने जाऊँगा। तो गाइस, रूम तो हमने यहीं पर फाइनल कर लिया है, और अब मैं जाता हूँ, चंपा जी को लेकर आता हूँ अपने साथ, और बहन अभी यहीं पर ही है। चंपा जी कर रही हैं टैक्सी स्टैंड पर वेट, तो वहीं से उठाना है उनको।